कार्रवाई होना चाहिए, जो चलाने वाला को हथकड़ी होना चाहिए, उसको सजा मिलना चाहिए बुरी तरह। जो यात्री लोग जाने आने वाला भटक जाएगा जी, जो लड़का लोग देखने वाला वो भीड़ लगा देगा, उसका ट्रेन छूट जाएगा, लड़की लोग का दिक्कत होगा, इन्हें जाने आने का पर्सनल होगा। सर्वनाश घटना ही है ये, और ये इसके पीछे जो सब जिम्मेवार है उन पर कानूनी कार्रवाई। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। इस वक्त मैं पटना जंक्शन पे मौजूद हूँ। जिस तरीके से पटना जंक्शन की कल घटना जो घटी थी, आप देख सकते हैं कि पटना जंक्शन पे जितने भी LED स्क्रीन लगाए जाते हैं वो स्क्रीन यात्रियों की सुविधा के लिए लगाए जाते हैं। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि रेलवे स्टेशन पे जितने भी LED स्क्रीन लगाए गए हैं तमाम स्क्रीन को बंद कर दिया गया। कारण, क्योंकि जो लगाए गए हैं ये यात्रियों की सुविधा के लिए लगाए जाते हैं और प्रचार प्रसार के लगाए जाते हैं। लेकिन कल जो घटना घटी है 10 नंबर प्लेटफॉर्म पे, इस पे तकरीबन तीन मिनट तक अश्लील फिल्म चलाया जा रहा था और यात्रियों में हड़कंप मच गया। जितने भी यात्री थे शर्मसार हो गए, लोगों ने मुंह छिपाना शुरू कर दिया। जो परिवार के साथ बैठे हुए यात्री थे उन्हें काफी शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी। इसी वक्त पटना जंक्शन पे मौजूद है और भी यात्री, यहाँ पे इन सबसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरीके का जो चीज होता है क्या वो उचित है या नहीं है। सर, जिस तरीके से LED स्क्रीन जो लगाए गए हैं ये यात्रियों की सुविधा के लिए लगाए गए, लेकिन इसके ऊपर 3 मिनट तक अश्लील फिल्म चल रहा था, तो क्या लगता है कि सही है? सही है, गलत सही तो है ना, गलत है। सिफारिश इसके लिए, अब जो स्क्रीन लगाया है वो चलवा रहा है, कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि यात्रियों की सुविधा के लिए लगाया गया स्क्रीन और अब इसके ऊपर अश्लील फिल्म चलाया जा रहा है सार्वजनिक जगह पे। ये सब कार्रवाई हो करने वाला कार्रवाई कर दिया है। आप बताइए, ये स्क्रीन जो लगाए गए यात्रियों की सुविधा के लिए और अश्लील फिल्म चलाया जा रहा है सार्वजनिक जगह पे, ठीक मानते हैं इस चीज को? गलत मानते हैं, पूरा गलत है। इस पर कार्रवाई होना चाहिए, जो चलाने वाला को हथकड़ी होना चाहिए, उसको सजा मिलना चाहिए बुरी तरह। जो यात्री लोग जाने आने वाला भटक जाएगा जी, जो लड़का लोग देखने वाला वो भीड़ लगा देगा, उसका ट्रेन छूट जाएगा, लड़की लोग का दिक्कत होगा, इन्हें जाने आने का पर्सनल होगा, उसका पूरा तरह कार्रवाई होना चाहिए। परिवार के साथ में कितनी शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी होगी उनको, बच्चे रहते हैं, वही तो हम बोल रहे हैं ना, पूरा तरह कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल, क्या कहोगे? हाँ, कार्रवाई होना चाहिए। पूरा बिल्कुल, सार्वजनिक जगह पे इस तरीके की चीज होनी चाहिए? नहीं, अच्छा तरह होना चाहिए, अच्छे तरीके से। लापरवाही मानते हैं ना इसे? बहुत लापरवाही मानते हैं, और भी लोग इन सबसे जानते हैं। आप देख रहे हैं LED स्क्रीन है, बंद है, पता है क्यों बंद है? पता नहीं सर। हाँ, पता ना है। कल इसके ऊपर अश्लील फिल्म चल रहा था जी, तो क्या होना चाहिए? अब लाइट, रेड लाइट चलना चाहिए ना? क्या होना चाहिए? चलना चाहिए स्कूल लाइट। अश्लील फिल्म जो चल रहा था, कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कार्रवाई होना चाहिए। क्या कहेंगे आप बताइए? जितने लगाए गए रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे कि तमाम स्ट्रेन यात्रियों की सुविधा के लिए, लेकिन अभी आप देख रहे हैं बंद है, पता है कारण? बहुत मालूम है, क्या कीजिएगा, सब ऐसा सिस्टम है चल रहा है, हम लोग क्या करते, सब किसकी लापरवाही है? ये सरकार एक ना होगा, सरकार की लापरवाही है, तो कार्रवाई होनी चाहिए ना? होना चाहिए, बिल्कुल, खुल के बोलिए। हाँ, होना चाहिए, ऐसा बात थोड़ी है ना, बिहार है ना जी, बिहार है, इस तरह की घटना घटेगी? ऐसा नहीं हो सकता, क्या होना चाहिए? कार्रवाई होना चाहिए। अभी स्क्रीन बंद है, इससे भी यात्रियों को सुविधा हो रही होगी? हाँ, होती होगी ना, ना ट्रेन की जानकारी मिले ना कुछ, कुछ भी नहीं मालूम होगा। और कल जो यात्री बैठे होंगे परिवार के साथ, जो बैठे रहते हैं महिलाएं बैठे रहती है, तो कितना शर्मिंदगी महसूस करना पड़ा होगा? हाँ, करती होगी शर्मिंदगी महसूस। लेकिन और भी यात्री इन सबसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस तरीके का घटना जो घटित हुआ है, स्क्रीन जितने लगाए गए LED स्क्रीन, कल इसके ऊपर अश्लील फिल्म चल रहा था, तो किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए? इस बात का अगर साक्ष्य है कि कल अश्लील फिल्म चलाई गई है या ये सबूत है, तो इसके लिए स्टेशन अधीक्षक जिम्मेवार होंगे कि हमारे स्क्रीन पर क्या चल रहा है, क्या क्यों चल रहा है, ऐसा कि कौन चलाने वाले है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जहाँ तक आप लोग के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि ये LED लाइट स्क्रीन लगाना का मतलब यात्रियों की सुविधाओं के लिए होता है, लेकिन इस पर एडवर्टाइजमेंट LIC वगैरह ये बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट, प्रचार तो फिर भी सही है, यात्रियों की सुविधा के लिए जो जानकारी जाती है वो भी सही है, लेकिन जिस तरीके का फिल्म चला है 3 मिनट तक, क्या वो कितना कैसा प्रभाव डालेगा वो यात्रियों पर? वो बहुत सर्वनाश घटना ही है ये, और ये इसके पीछे जो सब जिम्मेवार है उन पर कानूनी कार्रवाई रेलवे विभाग द्वारा किया जाएगा, होना चाहिए और होना चाहिए, ये उम्मीद रखते हैं और यही इंसाफ होता है।
अच्छा ये बताइए कि अभी जितने भी स्क्रीन से सब बंद कर दिए गए, इससे यात्रियों को कितनी सुविधा हो रही है? आप भी कहीं जाने वाले? हाँ, हम यहाँ से मधुबनी की ओर जाएंगे तो असुविधाएं हो रही है और बहुत सारा स्क्रीन है, बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट चल रहा है लेकिन काम की चीज कुछ नजर नहीं आ रही है, इसलिए इससे परेशानी है। प्रचार प्रसार होनी चाहिए लेकिन अभी हम जिस लिए यहाँ बैठे हैं, ट्रेन पकड़ने के लिए बैठे हैं, ट्रेन की सुविधाएं वहाँ दिखनी चाहिए, ट्रेन कहाँ तक आई है वो दिखनी चाहिए। एडवर्टाइजमेंट तो बड़े बड़े इश्तेहार अखबार और हमारे प्रशासनिक विभाग तो दे ही रहे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े पोस्टर के साथ। धन्यवाद। तो देखिए, जिस तरीके से पटना जंक्शन पर जो घटना कल घटित हुई थी, एलईडी स्क्रीन अभी भी आप देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म पे दूर दूर तक जितने भी स्क्रीन लगे हुए हैं सारे स्क्रीन को बंद कर दिया गया। कारण सिर्फ इतना है कि इस स्क्रीन पर जहां कभी प्रचार प्रसार चलते थे, एडवर्टाइजमेंट चलते थे, यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन की जानकारी दी जाती थी, लेकिन इस वक्त ये स्क्रीन बंद है, यात्रियों को काफी असुविधा हो रही है। वहीं यात्रियों का यह भी कहना है कि जिस तरीके का जो विजुअल्स कल चलाया जा रहा था, जो अश्लील फिल्म इसके ऊपर चलाई जा रही थी, इस चीज से यात्रियों को काफी असुविधा हुई है। परिवार के साथ जो लोग घूम रहे थे, बच्चे घूमते हैं, तो इससे तमाम लोगों पर काफी बुरा असर पड़ा है और साफ तौर से यात्रियों की मांग है कि उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो स्टेशन प्रबंधक है उनको इसके ऊपर कार्रवाई लेनी चाहिए। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया दे सर। की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।